भारत की कूटनीति इन दिनों मुश्किल दौर से गुजर रही। बांग्लादेश ने अपने देश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग के साथ अब धमकियां भी देना शुरू कर दिया है, जहां केवल कानूनी आधार पर की जा रही थी। अब बांग्लादेश की अंतरिम सरकार भारत पर दबाव बनाने की कोशिश में है। बांग्लादेश के लॉ मिनिस्टर आसिफ नजूल की तरफ से भारत को बड़ी धमकी दे डाली है और साथ ही साथ कहा है कि अगर शेख हसीना को भारत ने बांग्लादेश को ना दिया तो फिर वो तैयार हो जाए, फिर वो बांग्लादेश के लिए तैयार हो जाए, फिर बांग्लादेश एक्शन मूड में आएगा, फिर बांग्लादेश जो दिल करेगा वो करेगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक 10 नवंबर भी दी रखी है डेट हिंदुस्तान को कि 10 नवंबर से पहले पहले हमारी साबिक वजीर आजम शेख हसीना को वापस करो, नहीं तो फिर तैयारी पकड़ लो। और आपने दूसरे मेरे इस YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, ये मेरा व्लॉगिंग के ऊपर चैनल है। मैं इंशाल्लाह सऊदी अरेबिया के सफ़र पे जा रहा हूँ, वहाँ पर जाके आपको दिखाऊंगा सऊदी अरब के अंदर जो बहुत ही मशहूर जगह हैं, बहुत खूबसूरत जगह हैं, जिसके साथ हमारी एसोसिएशन है। जिस तरह से गारे हीरा है, गारे सोर है, इसी तरह मदीना के अंदर बहुत ही खूबसूरत जगह हैं, वो भी मैं इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा। तो इस चैनल एहसान लाइफ को आपने सब्सक्राइब करना है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने मेंशन किया हुआ है, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप सीधा मेरे चैनल पर चले जाएंगे। आज मैंने एक व्लॉग भी इसके ऊपर। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूँ एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिट फाट होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, बांग्लादेश के जो लॉ मिनिस्टर हैं आसिफ नजरुल, उनकी तरफ से एक बड़ा स्टेटमेंट आ गया है। उसके बाद जो हिंदुस्तानी हैं और फिर इंडियन मीडिया है वो काफ़ी गुस्से में है, निराश है, आग बरसा रहा है। आइए उनकी पहले ये वीडियो देख लेते हैं। आसिफ नजरुल साहब ने तो सिर्फ ये कहा है कि हमारी प्राइम मिनिस्टर को वापस करो भाई, वो है तो हमारी बांग्लादेश की, अब उनके खिलाफ जो केस चल रहे हैं हमने उनको अदालत में पेश करना है, तो अगर इंडिया नहीं देता तो फिर उसके साथ हमारा जो रिश्ता है अच्छा नहीं रह सकता, क्योंकि इंडिया हमारे इंटरनल मैटर्स के अंदर इंटरवेंशन कर रहा है, मुदाखलत करता है, लिहाजा उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। डिमांड अगर देखी जाए तो बहुत ही माकूल है, बहुत ही डिसेंट है, ये हर एक कोई कर सकता है, लेकिन दूसरी तरफ जो इंडियन है वो उल्टा आरोप लगा रहे हैं, वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इसी के ऊपर वीडियो क्लिप पे पहले हम ये वीडियो देख लेते हैं, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। वीडियो देखने से पहले जनाब चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। 3, 2, 1 एंड क्यू। कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, भारत की कूटनीति इन दिनों मुश्किल दौर से गुजर रही। बांग्लादेश ने अपने देश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग के साथ अब धमकियां भी देना शुरू कर दिया है। जहां पहले मांगे केवल कानूनी आधार पर की जा रही थी, अब बांग्लादेश की अंतरिम सरकार भारत पर दबाव बनाने की कोशिश में है। शेख हसीना 5 अगस्त को भारत आई और तब से अज्ञात स्थान पर है। बांग्लादेश के अधिकारियों का दावा है कि अगर भारत उन्हें वापस नहीं भेजता तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। शेख हसीना जो बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री हैं, अपने देश में चल रहे बड़े पैमाने पर सरकारी विरोधी प्रदर्शनों और कानूनी मसलों के चलते 5 अगस्त को भारत आ गई थी। वो दिल्ली के पास एक इंडियन एयरबेस पर उतरी और उसके बाद उन्हें एक अज्ञात स्थान पर ले जाया गया। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने हसीना के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है और 18 नवंबर तक उन्हें और 45 सह आरोपियों को पेश करने का आदेश दिया है। इस आदेश के बाद बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग अब तेज कर दी है, जहां प्रत्यर्पण संधि के तहत बांग्लादेश शेख हसीना को वापस लाने की कानूनी प्रक्रिया में है। वहीं बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के कानूनी सलाहकार आसिफ नजरुल ने यह कहकर विवाद और बढ़ा दिया कि अगर भारत ने शेख हसीना को वापस नहीं भेजा तो उनके देश की तरफ से कड़ा विरोध होगा। ये बयान तब सामने आया जब भारत और बांग्लादेश के रिश्ते कूटनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आसिफ नजरुल भाई, ये क्या ही कमाल का स्टेटमेंट दिया है। उसके बाद तो हिंदुस्तानी काफ़ी मुझे निराश नज़र आते हैं, गुस्से में नज़र आते हैं, फिर जो इंडियन मीडिया है वो भी। अब देखें, इनकी जो डिमांड है वो बिल्कुल जायज़ है।
अब उनकी कोर्ट ने, आईसीटी ने यानी बांग्लादेश की जो कोर्ट है, अदालत है, उसने कहा है कि भाई शेख हसीना आए अपने केस का सामना करें, जो उनके खिलाफ काफ़ी केसेस हैं, उन्होंने जिस तरह से लोगों को मरवाया यानी स्टूडेंट्स के ऊपर सीधी गोलियां मारी गई, 700-800 स्टूडेंट्स को शहीद किया गया। अब देखें वो कह रहे हैं कि भाई आके उनको फेस करें, ये तो जायज़, वो कहते हैं ना एक माकूल, एक जायज़ किस्म की वो डिमांड है बांग्लादेश की तरफ से, आसिफ नज़रुल की तरफ से, नई गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन ये जो हिंदुस्तानी हैं हर बात को दूसरे एंगल से यानी नेगेटिविटी ज़्यादा फैलाने में आगे आगे होते हैं। मुझे ऐसा लगता है अगर हिंदुस्तान बांग्लादेश के साथ, यानी बांग्लादेश के साथ ना कि शेख हसीना के साथ, अच्छे ताल्लुकात चाहता है तो फिर शेख हसीना को वापस कर देना चाहिए। अगर 17-18 करोड़ बांग्लादेशियों के साथ अच्छा रिश्ता नहीं चाहता हिंदुस्तान, तो फिर सिर्फ और सिर्फ एक हसीना को अपने पास बिठाए रखे, ना दे बांग्लादेश को। ये अब ऑप्शन है, इसमें जाहिरी बात है अब देखना होगा कि मोदी किसको सिलेक्ट करते हैं। लेकिन मोदी के ऊपर काफ़ी प्रेशर भी है, और जो वहाँ के दिफाई तज़ज़ियाकार हैं और जो सियासत के ऊपर बात करने वाले लोग हैं, जो जो पॉलिटिक्स को बहुत ही नज़दीकी से देखते हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि भाई मोदी जी ये आपने क्या भंड मार दिया है, आप शेख हसीना को जल्दी से वापस करो बांग्लादेश को, नहीं तो फिर बांग्लादेश बहुत कुछ कर सकता है। बांग्लादेश के पास हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एक किस्म की वो बांग्लादेश के ही पास हैं, क्योंकि बांग्लादेश के ऊपर वो 7 सिस्टर स्टेट्स डिपेंड करती हैं। फिर वो चिकन नेक, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, वो एक रास्ता, वो भी बांग्लादेश उसके ऊपर कैप्चर कर सकता है चाइना के साथ मिलकर। फिर आजकल पाकिस्तान के साथ भी दोस्ती बढ़ रही है, हिंदुस्तान को ये भी बर्दाश्त नहीं हो रहा कि पाकिस्तान के साथ कभी फतेह 2 रॉकेट सिस्टम लेने की बात हो रही है, कभी फाइटर जेट F-17 फाइटर जेट JF थंडर तैयारे, यानी जिसने MiG-21 इंडियन को गिरा दिया था, अभिनंदन वाला तैयारा, अब वो कह रहे हैं वो भी लेने की बातें हो रही हैं पाकिस्तान से, तुर्की से। और जो बांग्लादेश है उसके ताल्लुकात, जो रिश्ता है पाकिस्तान, चाइना, तुर्की, सऊदी अरब, इन तमाम वाले के साथ बहुत बेहतर होता हुआ नज़र आ रहा है। तो इस सब के सब सिनेरियो को देखते ही देखते अब जो इंडियन है वो काफ़ी परेशान है, और मोदी जी भी इतने परेशान हैं कि पहले तो वो मिलना नहीं चाहते थे मोहम्मद यूनस से, अब वो मिलने के लिए रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं। अब यूनस साहब एक बड़े नोबल प्राइज़ विनर, एक स्कॉलर टाइप इंसान हैं, एक बड़ी शख्सियत है, ग्लोबल पर्सनैलिटी है। अब देखें वो किसी के साथ दुश्मनी तो नहीं चाहते, वो तो सबके साथ दोस्ती चाहते हैं। लेकिन अब नेक्स्ट बंदा ही अगर हाथ आपके साथ ना मिलाए, अगर वो ही यानी हिंदुस्तान ही अगर आपके साथ ना मिलना चाहे, तो वो ज़बरदस्ती तो जाके नहीं मिल सकते, यानी ज़बरदस्ती का कभी प्यार नहीं हो सकता। हाँ, बराबरी की सतह पर, इक्वल आप होकर चलें, इक्वलिटी की बुनियाद पर ही मुल्कों के दरमियान जो फॉरेन पॉलिसी है, डिप्लोमेट है, वो ही चला करते हैं। व्यूअर्स आप भी बताइएगा इस वीडियो के बारे में, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने इस चैनल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।